नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पर लगी मुहर। बिहार में अब योजनाओं के लिए नहीं होगी फंड की समस्या। शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। साइबर ठगी के शिकार होने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल, एडीजी JS गंगवार। IPL 2023 दिल्ली बनाम मुंबई, दोनों टीमों को है जीत का इंतजार। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सूचना व प्रसारण मंत्रालय में 75 यंग प्रोफेशनल की भर्ती। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यंग प्रोफेशनल की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार कुल 75 यंग प्रोफेशनल की संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे उम्मीदवारों की कार्य प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन आर्ट्स या एनिमेशन एंड डिजाइनिंग या लिटरेचर एवं क्रिएटिव राइटिंग में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की मास्टर्स डिग्री या डिप्लोमा दिया हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mib.gov.in पर वैकेंसी सेक्शन में एक्टिव किए लिंक पर जाकर 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि बीते दिन की कैबिनेट बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल की ओर से शिक्षक नियोजन नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, जिससे 7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। इसके अलावा जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित अस्थायी 102 पदों में से आवश्यक 53 पदों की स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में हस्तांतरित किए जाने एवं शेष 49 पदों की प्रत्यर्पित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को 1 जनवरी 2023 से 38% की जगह 42% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए अस्थायी रूप से करने की स्वीकृति के संबंध में मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही अन्य 2 एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और पथ निर्माण विभाग से जुड़ा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सैयद एहतेसाम हसनैन के बारे में। सैयद एहतेसाम हसनैन एक भारतीय शिक्षाविद है। हसनैन को फरवरी 1999 में सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2005 से 2011 तक हैदराबाद विश्वविद्यालय के 7वें कुलपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने उप कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। बता दें कि उन्हें 2014 में ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, 2001 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार, 2008 में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड और ओम प्रकाश भसिन पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें 2006 में भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत के प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में थे। बिहार में अब योजनाओं के लिए नहीं होगी फंड की समस्या। बिहार सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए फंड की समस्या ना हो, इसके लिए ऐसी योजनाओं को योजना स्क्रीनिंग समिति के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि मुख्य रूप से जिन योजनाओं के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है, उनमें बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 या 2, जल जीवन हरियाली से संबंधित सभी प्रकार की पेयजल, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और ग्रामीण पथ, आपदा और बाढ़ से संबंधित पंचायत और नगर निकाय, नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी से संबंधित कोविड विधि व्यवस्था और कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं। बता दें कि योजना स्क्रीनिंग के अंतर्गत समिति निर्धारित राशि तक योजनाओं को की गई अनुशंसा को मंत्रिमंडल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि वैसी योजना से 15 करोड़ से अधिक की राशि की होती है, उसे मंत्रिमंडल की अनुशंसा की आवश्यकता है ताकि योजना को स्वीकृति मिल सके। मालूम हो कि योजना स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है और फिर प्रत्येक वित्तीय वर्ष समिति की अवधि को विस्तार किया जाता है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ने 47 लोगों की सुनी समस्याएं।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सभी विभागों से जुड़े कुल 47 लोगों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बता दें कि इस दौरान मधेपुरा जिला से आए एक व्यक्ति ने सीएम से कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विशेष चिकित्सकों की कमी है, जिस वजह से इलाज में दिक्कत आ रही है। शिकायत को सुन सीएम ने तुरंत इस मामले को निपटारा करने का आदेश दिया। वहीं दूसरा व्यक्ति एक छात्र था जो गोपालगंज जिले से सीएम नीतीश के सामने पहुंचा था। उसने सीएम से शिकायत की कि वह 2018 में मैफ्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किया था, लेकिन अब तक उसे प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। वहीं बांका जिले से आई एक महिला फरियादी ने कहा कि उसके पति का निर्धन वर्ष 2021 में कोरोना से हो गया था, लेकिन अब तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है। इसके अलावा भोजपुर जिले से आई एक महिला फरियादी ने कहा कि विद्यालय में कार्यरत उसके पति की मृत्यु होने के बाद अब तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली। सीएम नीतीश ने इन सभी मामलों समेत कई अन्य मामलों को सुन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सब का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। बिहार कैडर के 10 ट्रेनी आईएएस अफसरों को जिला अलॉट। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार कैडर के 10 ट्रेनी आईएएस अफसरों को जिला अलॉट किया गया है। बता दें कि वर्तमान में ये सभी 10 ट्रेनी आईएएस अफसर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम फेज एक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षण की समाप्ति होने के बाद ये सभी अफसर जिला प्रशिक्षण के लिए 12 मई 2023 को विरमित होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 10 ट्रेनी आईएएस अफसरों को जिला अलॉट किया गया है, उनमें दिव्या शक्ति को नालंदा जिला, श्रेया सिंह को सारण, पार्थ गुप्ता को मधुबनी, आशीष कुमार को गया, किसलय कुशवाहा को मुजफ्फरपुर, ऋतुराज प्रताप सिंह को पूर्वी चंपारण, गौरव कुमार को औरंगाबाद, काजले वैभव नितिन को पटना, स्वता भारती को भागलपुर और गौरव कुमार को पूर्णिया जिला अलॉट किया गया है। साइबर ठगी के शिकार होने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल। एडीजी जेएस गंगवार। बिहार में आए दिन साइबर ठगी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसे में अब इस बढ़ते मामलों पर लगाम लगाया जा सके, इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा राज्य के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। बता दें कि इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से यात्री अपनी शिकायतों को किसी भी समय कॉल करके पुलिस से कर सकते हैं, ताकि प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस के एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस नंबर पर प्रतिदिन 800 से अधिक कॉल आ रहे हैं, जिसमें दो तरह की शिकायतें की जा रही हैं। मालूम हो कि अब तक इस मामले से जुड़े 176 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही कार्रवाई कर 2 करोड़ की राशि भी फ्रीज कर दी गई है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कहलगांव द्वीप के बारे में। कहने को तो भागलपुर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन इस जिले के गांव कहलगांव में गंगा और कोसी नदियों का संगम है। वहीं पर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने वाले 3 प्राकृतिक द्वीप है, जिनकी सैलानियों की भीड़ शानदार नजारे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपने गंगा नदी के कई प्रसिद्ध घाटों में नौका विहार देखा या सुना होगा। चाहे वह प्रयागराज का संगम हो या काशी बनारस में गंगा घाट या पहाड़ी गलियारों से निकलकर समतल भूमि में प्रवेश करने वाली गंगा का अद्भुत दृश्य हो, हरिद्वार हो, कुछ जगहों पर बोटिंग की जाती है, लेकिन भागलपुर कहलगांव में वहां मौजूद टापू गंगा नदी में बोटिंग का मजा दोगुना कर देता है। आप यहां पर अपने परिवार के साथ घूमने आ सकते हैं। यह स्थान पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छा है। शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल बीते दिन शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी गई है, जिससे लाखों शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। वह इस बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बीते दिन शिक्षक नियमावली 2023 में मुहर लगाए जाने के बाद 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साथ ही उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली भी की जाएगी, जिसकी संख्या लगभग 40 से 50 हजार होने वाली है। उन्होंने कहा कि नए शिक्षक की जो बहाली होगी वो पूर्णतः राज्य कर्मी होंगे, यानी कि अब उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही नियोजित शिक्षक भी अब नियमित शिक्षक बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक समय से बहाल किए जाएं। हज यात्रियों के लिए हुए कई बड़े बदलाव। अगर आप भी हज यात्रा 2023 की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस बार हज यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से इस बार हज पर जाने वाले जायरीनों को ट्रॉली बैग नहीं दिया जाएगा, यानी कि जायरीनों को अपनी ट्रॉली बैग खुद ही खरीदनी होगी। बता दें कि इस बार हज यात्री अपने साथ 2 ट्रॉली बैग और 1 हैंड बैग ही लेकर जा सकते हैं। वहीं एक ट्रॉली बैग में 20 किलो तक के सामान को ले जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हैंड बैग की बात करें तो हैंड बैग में 7 किलो तक का सामान लेकर जाया जा सकता है। वहीं हज कमेटी के अनुसार ट्रॉली बैग का साइज टोटल 158 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए और हैंड बैग का लेंथ 55 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और हाइट 23 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए।
सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की होगी जांच। राज्य के सरकारी भवनों को अग्नि से बचाया जा सके इसके लिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा भवन निर्माण योजनाओं एवं मरम्मती कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। बता दें कि इसके लिए भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा से बचाव को लेकर किए जाने वाले कार्यों की जांच करें और उसे दुरुस्त करने का कार्य करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बढ़ती गर्मी के बीच आमतौर पर 15 मार्च से 15 जून के बीच आग लगी की घटना घटित होती है। मालूम हो कि सचिव के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य के सरकारी भवनों और कार्यालयों में बिजली का लोड या तार की गड़बड़ी की पहचान कर उसे ठीक कराने का काम किया जाएगा और साथ ही यह भी देखे जाएंगे कि आग लगी की घटना को रोकने के लिए भवनों में क्या क्या उपाय किए गए हैं और फिर इनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों के पास अग्निशमन वाहनों की भी तैनाती की जाएगी ताकि ऐसी घटना घटित होने पर तुरंत सूचना मिलकर उस पर काम किया जा सके। इस दिन जारी होगा सीईटी बीएड का रिजल्ट। सीईटी बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते 8 अप्रैल को 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए सीईटी बीएड 2023 संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली गई थी। वहीं बीते रविवार को यानी कि 9 अप्रैल को आंसर की भी जारी की जा चुकी है और साथ ही बीते दिन यानी कि 10 अप्रैल तक परीक्षार्थियों के द्वारा आपत्ति भी दर्ज करा ली गई है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि इस परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि इस परीक्षा का रिजल्ट आगामी 21 अप्रैल को वैध आपत्ति के आलोक में आवश्यकता अनुसार आंसर की को सुधार कर जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट इसके आधिकारिक वेबसाइट www.biharseetbed-lnmu.in पर जाकर देख सकते हैं। मनीष कश्यप की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए कथित हिंसा को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप को अब भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल बीते दिन यानी कि सोमवार को मनीष कश्यप की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन नंबर न आने के कारण उनके याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। बता दी कि मनीष कश्यप की याचिका की सुनवाई कॉज लिस्ट में सूचीबद्ध होने पर की जाएगी। मालूम हो कि मनीष कश्यप के वकील के द्वारा 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई गई थी और साथ ही उन्होंने कोर्ट से रेगुलर बेल की मांग की थी। बता दें कि मनीष कश्यप जब 3 अप्रैल को मदुरई कोर्ट में पेश किए गए थे तो कोर्ट के द्वारा उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब प्रमाण पत्र के लिए बिहार के छात्रों को नहीं पड़ेगा भटकना। नई शिक्षा नीति के तहत अब बिहार के छात्रों को प्रमाण पत्र, स्नातक पत्र, सर्टिफिकेट, डिग्री और दूसरे सभी तरह के प्रमाण पत्रों को पाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, जिससे अब ऐसे सभी छात्रों के दस्तावेज स्वतः एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएंगे। बता दें कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगर कोई विद्यार्थी बीच में ही कॉलेज या विश्वविद्यालय बदलकर कहीं और एडमिशन लेना चाहता है तो उसका नामांकन एकेडमिक बैंक के दस्तावेजों से हो जाएगा। वहीं विद्यार्थी को किसी तरह की अनापत्ति और शिक्षण संस्थान से किसी दस्तावेज को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे दस्तावेज की चोरी या गुम होने की भी आशंका नहीं रहेगी। मालूम हो कि आगामी शैक्षणिक वर्ष से देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खाता खोलना अनिवार्य होगा, जो विद्यार्थी abc.gov.in पर जाकर खोल सकते हैं। कोरोना को लेकर सीएम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होते जा रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने एक अनेक मार्ग स्थित संकल्प में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री समेत वहां मौजूद सभी लोगों के समक्ष राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा विभाग द्वारा की गई तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में पिछले 2 से 3 दिनों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितनी कोरोना की टेस्टिंग हो रही है उसकी 1/3 टेस्टिंग केवल बिहार में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक कोरोना की टेस्टिंग करवाएं और साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़े हैं या घटे हैं इस पर भी निरंतर नजर रखी जाए। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था रखी जाए और साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीदकर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी। बिहार में अगले कुछ घंटों में बढ़ सकती है 2 से 3 डिग्री गर्मी।
बिहार में तपती गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के द्वारा भी भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य में पारा 2 से 3 डिग्री और ऊपर चला जा सकता है। वहीं कुछ जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी आशंका जताई गई है। दरअसल इस साल बिहार में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में चलने वाली पछुआ हवा ने अभी से लू के हालात पैदा कर दिए हैं। अप्रैल में सबसे ज्यादा तापमान का असर दक्षिण पश्चिम जिलों के बक्सर, भागलपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल के साथ सटे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव से संबंधित एजेंसियों को जल्द मिलेगी राशि। प्रदेश की ग्रामीण सड़कों की रखरखाव को लेकर राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग काफी सजग है। ऐसे में विभाग की ओर से सड़कों के रखरखाव के लिए न सिर्फ सड़कों के निर्माणकर्ताओं एजेंसियों को कार्य आवंटन के समय करार में अनुरक्षण की शर्तें रखी गई है, बल्कि एजेंसियों को मेंटेनेंस की राशि भी मुहैया कराई गई है। बता दें कि बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण पटना के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव की ओर से कुल मिलाकर तकरीबन 40 लाख रुपए विभिन्न क्षेत्रों को ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत सड़कों के रखरखाव को लेकर डीपीआर बनाने वाली एजेंसियों को इसके एवज में राशि जारी कर दी गई है। मालूम हो कि अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संजय दुबे के द्वारा संबंधित डिवीजन के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे डीपीआर की विपत्र की जांच कर भुगतान सुनिश्चित करें। बिहार के नील आर्यन मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स में हिस्सा लेने जाएंगे पेरू। बिहार के सहरसा जिले के कहड़ा प्रखंड स्थित चैनपुर निवासी रूबरू मिस्टर इंडिया नील आर्यन ठाकुर अब मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स में हिस्सा लेने के लिए पेरू जाने वाले हैं। बता दें कि इन्होंने रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब वर्ष 2022 में चेन्नई में जीता था। मालूम हो कि नील आर्यन एक मॉडल भी हैं। वहीं अपने पेरू जाने को लेकर नील आर्यन ठाकुर का कहना है कि मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता पेरू में 25 से लेकर 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन रूटीन और फिटनेस सब पर काफी मेहनत की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह इस प्रतियोगिता के लिए काफी एक्साइटेड है और वह देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अपने स्टेट और अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज ईडी करेगी सवाल जवाब। आज यानी कि मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय में पेश होने वाले हैं। ऐसे में बीते दिन ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए तेजस्वी यादव बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब बुलाया जाता है तब जाते हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने कहा कि वे बस नियम को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा के नेता नालंदा और सासाराम को लेकर जो बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप समझिए, बिहार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी और साथ ही बिहार में माहौल खराब करने की भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इन सब के लिए जो डिजाइन किया गया था उसे बिहार की प्रशासन के द्वारा फेल कर दिया गया है। फिलहाल जांच चल रही है और जल्द ही सभी दोषियों को सजा मिलेगी। महागठबंधन सरकार पर शाहनवाज हुसैन का तंज। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंसा कहीं से भी किसी के हित में नहीं है, बिहार में कानून राज स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर इसी राह पर बिहार की सरकार भी चलती है तो बिहार में कहीं से भी कोई तनाव पैदा नहीं होगी। जब बीजेपी हुकूमत में थी तो नीतीश कुमार को यह अच्छी पार्टी लगती थी, लेकिन जब बीजेपी से वह दूर हो गए हैं तो बीजेपी उन्हें बुरी लगती है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार मीठा गपगप और तीखा थूथू करने वाली पार्टी है। 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी 40 में से 40 सीट लेकर आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अम्बेडकर जयंती पर जेडीयू कार्यालय का बदला पोस्टर। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे में इस जयंती को लेकर जेडीयू पार्टी कार्यालय का पोस्टर भी बदल दिया गया है। बता दें कि जयंती के अवसर पर लगाए गए पोस्टर में एक तरफ जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विधिकार के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नीतिकार के रूप में दिखाया गया है। वहीं इस पोस्टर में लिखा गया है, बाबा साहब का जो सपना रहा अधूरा, नीतीश कुमार कर रहे पूरा। बता दें कि इस बार जेडीयू के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। मालूम हो कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत 14 अप्रैल को पंचायत स्तर पर भीम चौपाल का कार्यक्रम होगा। वहीं 13 अप्रैल को साम्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आईपीएल 2023 दिल्ली बनाम मुंबई, दोनों टीमों को है जीत का इंतजार। आईपीएल के 16वें सीजन में आज 16वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
अभी तक इन दोनों टीमों में से किसी ने जीत का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन आज कोई एक टीम जीत का स्वाद चख लेगी। दोनों ही टीम अपने कुछ प्राइम खिलाड़ियों को मिस कर रही है, जैसे जसप्रीत बुमराह को मुंबई की टीम और ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम। दिल्ली ने अभी तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में उन्हें हार मिली है, जबकि मुंबई को खेले गए 2 मुकाबलों में पॉइंट्स टेबल में दोनों टीम सबसे नीचे है। दिल्ली 10वें नंबर पर तो मुंबई 9वें स्थान पर। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सी टीम जीत का स्वाद चखने में कामयाब होती है। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों ने अभी तक 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 17 मुंबई ने जीते हैं, जबकि 15 मैचों में दिल्ली को जीत मिली है। दिल्ली बनाम मुंबई मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फोन पर आप जियो सिनेमा ऐप पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला 1930 में जनता के लिए खोला गया। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखिका झुंपा लाहिड़ी को सन 2000 में उनकी पहली रचना इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। भारत के महान विचारक समाजसेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का 1827 में जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 1869 में जन्म हुआ। भारतीय गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल का जन्म 1904 को हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रामानाथन कृष्णन का जन्म 1937 को हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल का जन्म 1946 को हुआ। भारतीय मॉडल पूनम पांडे का 1991 में जन्म हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का निधन 2009 को हुआ था। पलघर में आज हम बात करेंगे इंडियन गैस एजेंसी की डीलरशिप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडियन गैस एजेंसी की डीलरशिप के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि IOCL के नाम से जारी एक फर्जी पत्र में इंडियन गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए पूर्व अनुमोदन देने का दावा किया जा रहा है और KYC दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र इंडियन OLCL द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रमाणिक जानकारी के लिए कृपया IOCL.com पर जाएं। अब WhatsApp पर ही कर सकेंगे अपने कॉन्टैक्ट को मैनेज। एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है कि मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के स्मार्टफोन में नए कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के तरीके में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा है। बता दें कि इस नए फीचर का नाम मैनेज कॉन्टैक्ट विद इन योर WhatsApp है। यह फीचर यूजर्स को प्लेटफॉर्म को छोड़े बिना हुए कॉन्टैक्ट को सेव करने और मौजूदा सेव कॉन्टैक्ट में बदलाव करने की सुविधा देगी। मालूम हो कि इस फीचर की जानकारी WA Beta Info के द्वारा दी गई है। रिपोर्ट में शेयर की गई जानकारी के अनुसार नया फीचर यूजर्स को WhatsApp ऐप में सीधे कॉन्टैक्ट ऐड करने की सुविधा दे रहा है। अब आपको किसी कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक अगर कोई यूजर व्हाट्सएप पर किसी नए पर्सन को मैसेज करना चाहता था तो उसे व्हाट्सएप से बाहर जाकर फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर को सेव करना होता है। इसके बाद व्हाट्सएप को रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने के बाद उस शख्स की डिटेल व्हाट्सएप पर नजर आती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सहज यादव, सन्नी सहनी, कुश कुमार यादव, रामनवी मांझी, योगेंद्र रजक, राम बाबू कुमार, अभिषेक राज, नुन्नू गोलू कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार, उमेश ऋषिदेव, पायल, पुरुषोत्तम झा, शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।